हेलो जी के फैमिली, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। और भाई तुम्हारा जी के भाई आ गया आज एक नई वीडियो लेके। और आज की जो वीडियो होने वाली है, टाइटल से पता लग रहा होगा, थार रॉक्स। थार रॉक्स में जितने भी वेरिएंट्स हैं सारे के सारे एक्सप्लेन करूंगा विद इन दिस टाइम। अब थार रॉक्स के सारे वेरिएंट्स एक्सप्लेन कैसे होंगे तो हम शेयर करते हैं स्क्रीन। तो भाई ये है हमारी स्क्रीन, और अगर आप यहाँ पे महिंद्रा थार रॉक्स सर्च करो तो इनकी ऑफिशियल साइट है महिंद्रा ऑटो के नाम से, अगर इसको खोले तो ये खुलता है। ये साइट जब खुलती है तो भाई रॉकस्टार और थार रॉक्स वगैरह पूरा लोगो दिखता है। हम बिना टाइम वेस्ट करें यहाँ पे आप सीधा सीधा या तो टेस्ट ड्राइव वगैरह देख लो, और अगर टेस्ट ड्राइव नहीं जाना तो नीचे चलते हैं, चलते चलते ये सारे ऑप्शंस आते हैं। ओवरव्यू, की हाइलाइट्स, कैलोरी एंड कलर्स, इंटीरियर एक्सटीरियर, वेरिएंट्स एंड प्राइसिंग। तो हम सीधा चलेंगे वेरिएंट्स एंड प्राइसिंग पे, क्योंकि सबको पता है भाई थार रॉक्स 5 डोर है और क्या क्या लिमिट्स हैं, क्या क्या हम लोग इससे कर सकते हैं। वेरिएंट्स एंड प्राइसिंग शुरू करने से पहले भाई, जिस जिस लोग बंदों को थार रॉक्स पसंद आई है वो तो कमेंट कर ही देना, जिन लोगों के नहीं आई है और क्यों नहीं आई है उसका रीजन, और अगर किसी ने ले लिया उनको इसमें प्रॉब्लम मिल रही है तो वो भी बताना। जैसे कि सबको पता है इसका डिफरेंशियल हिल रहा है ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, जो कि बहुत ही बड़ा इशू है। तो अगर ऐसा कोई इशू आपके साथ भी आ रहा है तो डू लेट अस नो इन कमेंट सेक्शन, एंड कुछ इशू बड़ा है जो ठीक नहीं हो रहा है, वी विल हेल्प यू आउट। तो MX1, MX3, AX3L, MX5, AX5L और AX7L। अब ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 वेरिएंट्स। इन 6 वेरिएंट्स में आपको ऑप्शन मिलेंगे डीजल, पेट्रोल, ऑटोमेटिक, मैनुअल, 2-व्हील ड्राइव, 4-व्हील ड्राइव। तो अब सबसे पहले अगर बेस वेरिएंट की बात करें जिसके बजट लिमिटेड है, तो उस लिमिटेड बजट के अंदर आपको क्या मिलेगा? उस लिमिटेड बजट में आपके पास भाई दो ऑप्शन आ जाते हैं। पहला आता है डीजल मैनुअल का 2-व्हील ड्राइव के साथ, और दूसरा है पेट्रोल मैनुअल 2-व्हील ड्राइव। सबसे सस्ती गाड़ी जो पड़ेगी वो पड़ेगी 12,99,000, जो कि आएगा पेट्रोल मैनुअल 2-व्हील ड्राइव ऑप्शन। उसके अलावा आपको यहाँ पे जो सबसे एक बड़ी लिमिट लग जाती है, 5 सीटर तो है ही है, उससे बड़ी लिमिट लग जाती है कलर की। देखो रेड ग्रे ब्लैक, आपको सिर्फ यहाँ पे ये 3 कलर मिलेंगे, इसके अलावा कोई चौथा कलर नहीं मिलने वाला। तो अगर आपको कलर्स भी एक्स्ट्रा चाहिए फीचर्स के साथ साथ, तो आपको अगले वेरिएंट में जाना पड़ेगा। इसके अंदर भी क्या फीचर्स होते हैं वो भी एक्सप्लेन करूंगा, पहले जरा ये सारे साथ के साथ वेरिएंट बता दूं। MX3 के अंदर आपको सारे वेरिएंट में देखूं तो आपको 3 वेरिएंट टोटल मिलते हैं इसके अंदर। पहला है डीजल ऑटोमेटिक 2-व्हील ड्राइव, दूसरा है डीजल मैनुअल 2-व्हील ड्राइव, और तीसरा है पेट्रोल ऑटोमेटिक 2-व्हील ड्राइव। इसके अंदर पेट्रोल मैनुअल नहीं है, आपको MX3 के अंदर डीजल और पेट्रोल ऑटोमेटिक मिल जाएगा, मैनुअल में सिर्फ आपको डीजल मिलेगा। अगर डीजल ऑटोमेटिक 2-व्हील ड्राइव की बात करूं तो ये आपको पड़ेगा 17.5 लाख रुपए का, और अगर पेट्रोल ऑटोमेटिक की बात करूं तो ये पड़ेगा 15 लाख रुपए का। 2.5 लाख रुपए का फर्क आ रहा है पेट्रोल और डीजल के ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के अंदर। अब 2.5 लाख रुपए का तेल भाई आपकी कितनी रनिंग है और क्या यूजेज है तो वो आप पर डिपेंड करता है। उसके अलावा डीजल मैनुअल आपको पड़ रहा है 2-व्हील ड्राइव 1598, और अगर मैं MX1 में जाऊं तो डीजल मैनुअल आपको पड़ता है 14 का, ठीक है, और यहाँ पे आपको MX3 में डीजल मैनुअल पड़ रहा है 16 का। तो 2 लाख रुपए का फर्क इसमें भी है, इसमें फीचर्स ऐड ऑन हो रहे होंगे, मॉडल खत्म होने के बाद बताऊंगा। AX3L इससे अगला वेरिएंट MX के बाद, इसके इन्होंने वेरिएंट जस्ट लाइक MX, AX इस तरीके से डिवाइड करी है जैसे हमारे XUV 700 में होते हैं, स्कॉर्पियो में Z सीरीज चलाई है। AX3L के अंदर आपके पास बस एक ही वेरिएंट आता है जो कि मिड मान लो, AX3L लग्जरी डीजल मैनुअल 2-व्हील ड्राइव 17 लाख रुपए में। आपको इसमें कलर्स ऑप्शन बहुत सारे मिल जाते हैं, और MX3 में भी सिर्फ आपको 3 ही कलर मिलेंगे, लेकिन AX3L के अंदर आपको बहुत सारे कलर्स मिल जाएंगे, ऑलमोस्ट सभी कलर्स, रेड, ग्रीन, वाइट, ग्रे, ब्राउन, ब्लैक सब मिल जाएगा। 17 लाख तक हम यहाँ पहुँच गए AX3L में। अब अगर इससे ऊपर का बजट है भाई MX5 हम ले सकते हैं, अगर 17 लाख से ऊपर भी अगर हम जा सकते हैं तो आ जाता है हमारे पास MX5 वेरियंट। MX5 वेरियंट के अंदर आपको मिलते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऑप्शंस। इन 6 ऑप्शंस में सबसे पहला जो है वो है MX5 का डीजल मैनुअल 4-व्हील ड्राइव विद मोका इंटीरियर्स। अब ये मोका इंटीरियर क्या है? मोका इंटीरियर्स एक अलग स्पेशल, जैसे लग्जरी एडिशन में एडिशन इंटीरियर की चीज होती है ना, ये अलग से इंटीरियर है जिसमें ब्राउन और इस कलर की आपको स्पेशल इंटीरियर मिल जाएगा। चारों तरफ पूरे केबिन में टचअप होगा इसका, तो एक अलग लग्जरी फील लेनी हो कैबिन के अंदर बैठने में, वो बिल्कुल अलग से हट के, तो उसके लिए आपको मोका इंटीरियर्स मिल सकता है। आप मोका इंटीरियर्स ले लो गाड़ी में पहले से। इसमें कुछ मेटलिक पार्ट्स होंगे, कुछ सॉफ्ट टच होगा सब कुछ, तो ये सब मिला जुला के इन्होंने मोका नाम दे दिया है। अब अगर ये डीजल मैनुअल 4-व्हील ड्राइव अगर हम मोका इंटीरियर के साथ लेते हैं तो हमें पड़ता है भाई 18,80,000 रुपए का। उसके बाद MX5 में ही डीजल मैनुअल 4-व्हील ड्राइव अगर हम ये नहीं लेते हैं, एक बात बताओ, विद मोका इंटीरियर्स भी 1880 का है, विदाउट मोका इंटीरियर्स भी 1880 का है,
तो ये बात मुझे समझ आई नहीं कि सेम रेट में कैसे भाई ऐसे चीज़ें हो रही हैं। जबकि सेम रेट में तो ऐसा होना नहीं चाहिए। हो सकता है कि शोरूम पे अलग से इसके पैसे मांग ले, बट अगर यहाँ पे लिखा है विद मोका इंटीरियर सेम प्राइस है तो सेम ही होगा। तो तीसरा वेरियंट जो हमें मिल जाता है वो मिलता है डीजल ऑटोमेटिक टू व्हील ड्राइव। यहाँ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन टू व्हील ड्राइव आपको पड़ता है डीजल मैनुअल फोर व्हील ड्राइव से सस्ता, और ये आपको पड़ जाएगा 18.5 लाख रुपए का, यानी कि जो डीजल मैनुअल फोर व्हील ड्राइव है उससे 30,000 रुपये सस्ता। पेट्रोल ऑटोमेटिक टू व्हील ड्राइव भी आपको वेरिएंट मिल रहा है जो पड़ेगा 18 लाख रुपए का, ये और सस्ता हो गया 50,000 रुपये। MX-5 डीजल मैनुअल टू व्हील ड्राइव ये आपको पड़ेगा 17 लाख रुपए का, ये और 1 लाख रुपए सस्ता हो गया। समझ लो 18 से 17 पे आ गए, मैनुअल ट्रांसमिशन 1 लाख रुपए और गिर गया। अब पेट्रोल मैनुअल लेते हैं तो भाई ये और 50,000 गिर गया, ये हो गया 16.5 लाख रुपए पे। लेकिन ये टू व्हील ड्राइव ऑप्शन है सारे, ठीक है, 50-50,000 रुपये करके बढ़ा के बहुत सारी चीज़ें ऐड होती गई हैं। अगर आप फोर व्हील ड्राइव पे जाओ डीजल मैनुअल तो आपको पड़ेगा 19 लाख रुपए का, और डीजल मैनुअल फोर व्हील ड्राइव भी अगर बोलो विद मोका इंटीरियर तो वो भी 19 लाख रुपए का पड़ेगा, 19 नहीं वैसे 18-80, तो आप इसमें जाओ 20,000 बहुत होते हैं भाई, 18-80 का पड़ेगा। तो ये हो गया। अब इसके बाद जो ऑप्शन आ जाता है ना भाई, वो आता है हमारा AX5 का लग्जरी वेरियंट, AX5L। इसमें AX5L में अगर आपको डीजल ऑटोमेटिक चाहिए तो आपको फोर व्हील ड्राइव यहाँ मिलेगा जो कि पड़ेगा आपको 21 लाख रुपए का, ये महंगा है। AX5 डीजल ऑटोमेटिक फोर व्हील ड्राइव विद मोका इंटीरियर ये भी भाई 21 लाख रुपए का पड़ रहा है, तो मोका के साथ ले लेना भाई। अब AX5 डीजल ऑटोमेटिक अगर टू व्हील ड्राइव चाहिए AX5L वाले फीचर्स के साथ तो आपको पड़ेगा भाई 19 लाख रुपए का, 21 से सीधा 19 पे आ गए, 2 लाख रुपए बचते हैं भाई। अब आ जाता है सबसे टॉप वेरिएंट जो कि है AX7L, और ये इसके अंदर आपको कितने ऑप्शंस मिल रहे हैं भाई। सबसे पहला वेरियंट है AX7 लग्जरी डीजल ऑटोमेटिक फोर व्हील ड्राइव, ये आपको पड़ेगा 22.5 लाख रुपए का। उसके बाद आ जाता है हमारा AX7 डीजल ऑटोमेटिक फोर व्हील ड्राइव मोका इंटीरियर, ये भी 22.5 लाख रुपए का। तो भाई अगर मोका इंटीरियर के लिए तो कोई एक्स्ट्रा पैसे ले रहे हैं, अगर नहीं ले रहे हैं तो भाई सीधा यही ले लेना, क्यों बाहर से पैसा लगाना, बाहर से भी तो पैसा खर्चोगे ना, ये ले लेना। AX5 डीजल MT फोर व्हील ड्राइव विद मोका इंटीरियर, ये था हमारा आई थिंक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन और ये था मैनुअल। तो मैनुअल और ऑटोमेटिक में ये है 22.5 का और ये है 20.5 का, सॉरी 21 का, 1.5 लाख रुपए का फर्क आ गया डीजल मैनुअल और डीजल ऑटोमेटिक में। डीजल मैनुअल फोर व्हील ड्राइव ये भी सेम पड़ रहा होगा 21 लाख, हाँ, तो मोका और उसका कोई फर्क नहीं है। अब AX7L वाले फीचर्स के साथ डीजल ऑटोमेटिक अगर लेना है तो वो पड़ेगा 20.5 का, लेकिन ये टू व्हील ड्राइव ऑप्शन है, फोर व्हील ड्राइव नहीं है। अभी तक जो बता रहा था वो फोर व्हील ड्राइव थी। यहाँ पे जो AX7L पेट्रोल ऑटोमेटिक टू व्हील ड्राइव मिलेगा वो पड़ेगा मात्र 20 लाख रुपए का, ये और सस्ता कर दिया इन्होंने। डीजल मैनुअल टू व्हील ड्राइव ये पड़ेगा 19 लाख रुपए का। तो ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन से भी अगर सस्ता मैनुअल लेना हो तो आपको ये AX7L वाले फीचर्स के साथ ये पड़ेगा 19 लाख रुपए में। तो भाई ये तो हो गए हमारे सारे के सारे मॉडल्स, आपको कितने में कौन से मॉडल मिल जाते हैं। इसके अलावा आप जो बताता है कि भाई इसके अंदर स्पेसिफिकेशन क्या क्या बन जाती है। भाई यहाँ पे भी हम अगर देखें तो इन्होंने पेट्रोल और डीजल के अपने वही दो इंजन यूज करे हैं। इनका पेट्रोल के लिए आ रहा है यहाँ पे TGDI M-Stallion, और डीजल के लिए इनका फेमस इंजन है, और डीजल के लिए भी दूसरा फेमस इंजन M-Hawk जो कि 2.2 लीटर के साथ मिलता है और पेट्रोल का 2 लीटर के साथ। सारे के सारे इंजन ही 6 स्पीड हैं, आप कोई सा भी ट्रांसमिशन लो सभी 6 स्पीड ट्रांसमिशन के साथ मिलते हैं। तो पेट्रोल का इंजन जो है ये जो मैक्स पावर देता है यानी कि हॉर्स पावर वो देगा 119 हॉर्स पावर 5000 RPM पे, और 6 स्पीड का जो इनका ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है वो देगा 130 का पावर। तो इनका जो डीजल इंजन है वो देगा 112 हॉर्स पावर, 111.9 लिखा है, मैं 12 मान लेता हूँ। डीजल ऑटोमेटिक ये भी डीजल ऑटोमेटिक ये दे रहा है 111 और ये दे रहा है 128 का आपको हॉर्स पावर मिलेगा, और 3500 RPM पे 3750 RPM जो टॉर्क मिलता है। पेट्रोल आपको देगा मैनुअल 330 Nm और जो ऑटोमेटिक देगा 380 Nm, तो इसका इतना कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, 50 से फर्क पड़ रहा है, कुछ इतना खास फर्क नहीं है। और डीजल जो है वो भी 330 Nm का टॉर्क देगा, और इसमें ऑटोमेटिक जो है वो देगा 370 Nm का टॉर्क। तो टॉर्क ऑलमोस्ट इक्वल है, 50-40 के फर्क से इतना डीप फर्क नहीं पड़ेगा कि आप इस लेवल के यूजेज पे अगर जा रहे हो तो अलग केस है। टर्बो चार्जर भाई कोई भी ले लो, दोनों में है ये। EWGT आपको पेट्रोल में मिल रहा है और इसमें EVGT मिल रहा है। वेरिएंट्स आप यहाँ सब कुछ जिस जिस में जो जो ऑप्शंस में ऑप्शंस आ रहे हैं सारे के सारे वेरिएंट्स लिखे हुए हैं जो कि मैं पहले से बता चुका हूँ। ये सारा फिर से वेरिएंट चार्ट हो गया कि MX1 MX3 ये कौन कौन से में अवेलेबल है, डायमेंशंस पूरा का पूरा फोटो आप वीडियो पॉज करके इसको पूरा पढ़ सकते हो, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा इसको बताने में। जो मैं स्पेसिफिक कहता हूँ कि ब्रेक्स का इशू आता है, थार में पहले भी था, तो अब क्या है इसमें इन्होंने चारों डिस्क और ड्रम दोनों दे दिया, या तो चारों डिस्क मिलेंगी या फिर पीछे ड्रम मिलेगा आगे डिस्क मिलेगी। लेकिन जो डिस्क आ रही है या तो वेंटिलेटेड डिस्क फ्रंट एंड रियर मिलेगा, वेंटिलेटेड
नहीं तो पीछे आपको रियर में ड्रम भी मिल सकता है, वो डिपेंड करता है आप कौन सा मॉडल लेते हो। व्हील साइज, अलॉय व्हील्स आपको क्या मिल रहे हैं? अगर आप 17L लोगे तो 19 इंची मिलेगा, नहीं तो 18 इंची मिलेगा। 255/65 मिलेगा 18 इंची के साथ, और 255/60 मिलेगा आपको 19 इंची के साथ। स्टीयरिंग, स्टीयरिंग आपको सभी मॉडल में इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग में टिल्ट फंक्शनलिटी मिल रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग भाई बहुत प्यारा है, मजा आता है यूज करने में। फ्यूल कैपेसिटी आपको पूरे में 57 लीटर्स की मिल रही है। सबसे पहले जो बात आता है वेरियंट्स में, इंसान उसकी रेट में भारी गाड़ियां लेता है, अच्छी गाड़ी लेता है पहला लोग। दूसरा सबसे मेजर चीज जो आती है वो आती है सेफ्टी रेटिंग्स, जो कि थार में कम थी लेकिन थार रॉक्स में सेफ्टी रेटिंग्स बढ़ाई गई है। सो सबसे मेन बात यह है कि जितने भी वेरियंट्स है सब में आपको सारे के सारे एयरबैग्स मिल जाते हैं, सभी के सभी वेरिएंट्स में मिलेंगे, कोई सा वेरिएंट लो एयरबैग सारे आपके होंगे। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जो कि आपको मिलेगा MX5 से, MX1, MX3, AX3L से नहीं मिलेगा, MX5, AX5L, AX7 इनमें मिलेगा। पार्किंग सेंसर्स पीछे AX3L तक सिर्फ पीछे मिलेंगे, उसके बाद रियर प्लस फ्रंट मिलेगा MX5, AX5L और AX7L। अब मैं जो डिवीजन है वो इस तरीके से आपको दिख रहा है, सबसे पहला है इनका MX1, MX3, AX3L, फिर MX5, AX5L और AX7L, यहाँ बीच की डिवाइडिंग लाइन ये है। शुरू के तीन आखिरी के तीन समझ जाना अगर मैं बोलूँ तो जैसे कि पार्किंग सेंसर शुरू के तीन में, आखिरी के तीन में दोनों है आगे पीछे। रियर कैमरा आपको बेस वेरिएंट में नहीं मिलेगा, उसके अलावा सेकंड से यानी MX3 से आगे टॉप तक सब में रियर कैमरा मिल जाएगा। 3-point सीट बेल्ट तो यार सब में है, सीट बेल्ट रिमाइंडर ये सब वेरिएंट्स में मिलेगा, इसमें हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट डाल दिया सब में, ठीक है। रियर व्यू मिरर जो है ये रियर व्यू मिरर जो डिमिंग होता है वो मैनुअल आपको मिलेगा, सिर्फ बेस के अंदर मैनुअल है, बाकी आगे सब में देखोगे तो ऑटो डिमिंग, यानी जो बीच वाला शीशा होता है उसको आपको मैनुअली करना पड़ेगा, वो ऑटो डिम हो जाएगा। बेस को छोड़ के सब में, यानी MX1 को छोड़ के सब में ऑटो डिमिंग मिलेगा आपको, दिस इज नाइस फीचर। इंपैक्ट सेंसर ऑटो डोर अनलॉक ये जो है ये आपको सभी वेरिएंट्स में मिलेगा, सेफ्टी के लिए सही है। इमोबिलाइजर ठीक है, ईकॉल SOS आपको AX3L से मिलना शुरू होगा, बेस के दो MX1 MX3 में नहीं मिलेगा। ईकॉल SOS जिसको नहीं पता मैं अलग से वीडियो बना दूंगा जिसकी आपको समझ नहीं आ रही, जस्ट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। डिस्क ब्रेक आपको बेस में नहीं मिलेगी और MX3 में सिर्फ ऑटोमेटिक में मिलेगी, AX3 ऑल के सब में मिलेगी, MX5 में आपको ऑटोमेटिक और 4x4 डीजल वेरिएंट में मिलेगी, समझ रहे हो, ऑटोमेटिक या फिर 4x4 MX5 और AX5L और AX7L इन सब में डिस्क मिलेगी पीछे। उसके बाद ये आ जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी, ये सब चीजें भाई इन्होंने सब में डाल दी है, ये जितने भी फीचर्स आपको यहाँ से दिख रहे हो ना। ESC जो स्कॉर्पियन में बहुत लोग कहता कि भाई हम ले ना ले, तो भाई इसमें इन्होंने कन्फ्यूजन खत्म कर दिया है, सब गाड़ियों में ESC डाल दिया, यानी इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी के सारे कंट्रोल जितने भी हैं मत सोचो सभी वेरिएंट्स में मिल जाएंगे। साइफाई ये है जो साइंटिफिक, साइफाई मीन साइंटिफिक फंक्शंस जो आपको मिल जाते हैं। एड्रिनोएक्स, अब एड्रिनोएक्स में बहुत सारी चीजें हैं, तो एड्रिनोएक्स आपको शुरू के बेस के दो वेरिएंट MX1 MX3 में नहीं मिलेगा। देखो इसमें ना सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, जिसको मैं नहीं पता मैं बता देता हूँ कि मेरी गाड़ी में एड्रिनोएक्स है इसकी में नहीं है, तो भाई फर्क है। एड्रिनोएक्स का ना कुछ टाइम तक सब्सक्रिप्शन होता है, फिर आपको कंपनी को इसका पे करना पड़ेगा अगर आपको एड्रिनोएक्स के सारे फीचर्स यूज करने हैं तो। अब कुछ फीचर्स के लिए सब्सक्रिप्शन चाहिए होगा, कुछ फीचर्स के लिए नहीं चाहिए होगा, जैसे कि AX3L में अगर आपको एलेक्सा बिल्ट इन चाहिए तो इसका 3 साल का सब्सक्रिप्शन है, उसके बाद आपको पैसे भरने पड़ेंगे। सिमिलरली भी AX5L और AX7L, ठीक है, MX5 में ये वेरिएंट है ही नहीं। MX5 में भी आपको एड्रिनोएक्स नहीं मिलेगा, सिर्फ ए वाली सीरीज में मिलेगा, और बाकी सब चीजें आपको मिल जाएंगी। क्लाइमेट कंट्रोल, ये कौन सा है, स्काई रूफ कंट्रोल, वो कभी ही नहीं मिलेगा अभी तक तो इस वेरिएंट में है नहीं। और अगर आपको एलेक्सा चाहिए तो इसका 3 साल का सब्सक्रिप्शन है, उसके बाद आपको पे करना पड़ेगा। रिमोट कमांड्स, तो ये भी रिमोट कमांड्स भी आपको AX3A वाली सीरीज में मिलेंगी, MX सीरीज में नहीं मिलेंगी। अगर आपको स्काई रूफ कंट्रोल करना है तो AX5 और AX7 में मिलेगा। स्पीकर्स मेन चीज है, जो मेन मैंने वो बताता हूँ, स्पीकर्स आपको मिल रहे हैं इसमें MX1 में 4 मिलेंगे, MX3 में 4, सब में 4, 4, 4, 4, 4, सिर्फ टॉप वेरिएंट AX7L में आपको 6 स्पीकर मिलेंगे, लेकिन महिंद्रा के 4 स्पीकर का सेट ना इनफ है, तो उसकी इतनी टेंशन मत लो कि स्पीकर 4 मिल रहे हैं 6 मिल रहे हैं, 6 वाले कोई फायदा है नहीं इतना। ट्विटर्स ऑब्वियसली इसमें नहीं है तो आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन ट्विटर्स हाँ MX5 से 2-2 मिलने शुरू हो रहे हैं, तो AX7L में आपके टोटल 8 स्पीकर हो जाएंगे जिसमें 6+2 ट्विटर होंगे, और MX5 AX5 में 4 स्पीकर और 2 ट्विटर, सब वूफर आपको सिर्फ AX7L में मिलेगा। तो इन्फोटेनमेंट सिस्टम जो है ये आपको बेस वेरिएंट में तो मिलेगा 20 सेंटीमीटर का, जो कि HD नहीं है, ये मेन फीचर का फर्क है, और बाकी वेरिएंट्स में आपको मिलेगा 26 सेंटीमीटर, अब सिर्फ साइज का फर्क नहीं है, द पॉइंट इज कि वो HD भी है, तो विजिबिलिटी में बहुत फर्क आएगा। क्लस्टर जो मीटर वाला होता है वो MX वाली सीरीज में सारा एनालॉग मिलेगा, और अगर आपको डिजिटल चाहिए तो आपको लेना पड़ेगी AX सीरीज, उसके अंदर पूरा डिजिटल क्लस्टर है। वही गाड़ी के अंदर जो इनबिल्ट नेविगेशन है वो आपको फिर से MX में नहीं मिलेगा, AX सीरीज में मिलेगा। AX इज प्रीमियम सीरीज, लाइक से वो होता है ना प्रो मैक्स, प्रो फोन आ रहे हैं आईफोन के, तो वो प्रो है AX, बेसिक में आपको नहीं मिलेगा इनबिल्ट नेविगेशन। एक मजे की बात
जो मुझे बड़ी दुख दे रही है वो ये है कि बेस वेरिएंट को छोड़ के बाकी सब में एंड्रॉयड ऑटो तो मिल जाएगा, वायर्ड और वायरलेस दोनों, लेकिन एप्पल कारप्ले का सिर्फ AX सीरीज़ में मिलेगा और वो भी कमिंग सून है, अभी है नहीं। ठीक है, यहाँ पे ब्राउचर में यही लिखा है भाई, ये बड़े शॉकिंग है, लेकिन वायरलेस चार्जिंग बेस छोड़ के सब में मिल रही है। इसी चीज़ के पैसे ले रहे हैं भाई इतने ज़्यादा, जो थार रॉक्स के पैसे जा रहे हैं ना वो इसी चीज़ के जा रहे हैं कि वायरलेस चार्जिंग भी मिल रही है भाई बेस वाले को छोड़ के, बस बेस वाला रह गया है। तो भाई बेस में तो वैसे कुछ भी नहीं है, बेस मत ही लेना, इतना पैसा तो लगा भी नहीं पाओगे, कि मतलब पैसा लगाने की दिक्कत नहीं है, लेकिन इतने फीचर्स ऐड नहीं हो पाएंगे। सिर्फ AX7L में मिलेगा आपको फ्रंट व्यू कैमरा टॉप मॉडल में, उसके अलावा किसी में नहीं है। एक भाई ने फिर जो ब्लाइंड व्यू मॉनिटर जो है ये भी सिर्फ AX7L में मिलेगा, जिसमें यानी कि फ्रंट व्यू कैमरा के साथ ऑब्स्टेकल व्यू भी आपको सिर्फ टॉप में मिलेगा, जो ऑब्स्टेकल आएगा उसको दिखा देगा वो, क्योंकि कैमरा वगैरह चाहिए तो उसके लिए सिर्फ वही ऑप्शन बचता है। सराउंडेड व्यू कैमरा 360 ये भी सिर्फ टॉप में मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक पार्क ब्रेक जो है ऑटो होल्ड वही, ये सिर्फ प्रो सीरीज AX के अंदर मिलेगा, MX में नहीं मिलने वाला। साईफाई में जो सबसे मेन फीचर बच जाता है वो आपको बचता है अडास, जो कि मुझे इतना पसंद नहीं है, लेकिन लेवल 2 के अडास सारे के सारे, पहली बात तो लेवल 2 अडास आपको MX सीरीज में नहीं मिलेगा, सिर्फ AX सीरीज में मिलेगा, और उसके भी कुछ फीचर्स टॉप में सिर्फ ऑटोमेटिक में है, मैनुअल में नहीं है, और कुछ फीचर्स सिर्फ टॉप में है, उससे पहले में नहीं है। अब ये जितने भी फीचर्स हैं ये पूरा का पूरा टेबल ना यहाँ से, ये पूरा का पूरा लेवल 2 अडास है, तो आप वीडियो को पॉज करके पूरा पढ़ सकते हो, ये पूरा का पूरा अडास है। और किस वेरिएंट का देखो यहाँ पे भी सेम लिखा ही है, MX1, MX3, AX3L, MX5, AX5L एंड AX7L। हाँ जी, अब ये जो सेक्शन भाई अगला आता है ना वो आता है प्रीमियम एंड कम्फर्ट का, जो हम लोग सबसे ज़्यादा देखते हैं, हम कभी कभी सेफ्टी से ऊपर भी प्रीमियम एंड कंफर्ट को ले आते हैं कि नहीं भाई ये फीचर चाहिए, बेशक सेफ्टी हो या ना हो गाड़ी तो यही आएगी। तो इसके साथ जो आपको 6-way पावर ड्राइवर सीट मिलती है वो भाई सिर्फ टॉप में मिलेगी, फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स आपको सिर्फ टॉप में मिलेगी, रियर सीट पे आर्मरेस्ट पे कप होल्डर बेस में नहीं है, बाकी सब में आपको मिल रहा है। फुली ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल की अगर मैं बात करूँ तो भाई ये आपको मिलता है सिर्फ AX सीरीज में, फिर से ये फीचर फिर से AX में चला जाता है, MX में नहीं मिलेगा। रेयर एसी वेंट्स भाई लकीली सारे मॉडल्स में अवेलेबल है, ये बहुत सही बात करिए कि रेयर एसी वेंट्स सब में दे दी, नहीं तो गाड़ी इतनी लंबी है भाई भट्टी हो जाएगी। और अभी भी मुझे नहीं पता इस गाड़ी का एसी कैसा है, स्कॉर्पियन का एसी बहुत अच्छा है अगर सेम रखा है तो ठीक है, पर मैंने अभी तक गाड़ी चलाई नहीं है। अगर कोई फरीदाबाद में रहता है तो भाई डू लेट मी नो, आपका रिव्यू करते हैं। ये डैम्पिंग भाई क्या बात है, सब में आपको डैम्पिंग मिल रही है, ये बहुत अच्छी चीज़ है, गाड़ी में पहले से डैम्पिंग है, अब कितनी मिलती है वो देखने वाली बात है। और विंडोज तो भाई आजकल सब हर कोई देता है, ये ड्राइवर पावर वन टच ये आपको बेस में छोड़ के सब में मिल जाएगा, यानी कि एक टच से ऊपर नीचे हो जाएगा, बस एक बार कर दिया छोड़ दो। ऑटो हेडलैम्प आपको सिर्फ बेस के 2 मॉडल में नहीं मिलेंगे, बाकी सब में ऑटो हेडलैम्प मिल जाएगा। पीछे वाले शीशे पे जो डिफॉगर है वो भाई बेस में नहीं मिलेगा, वो सिर्फ दूसरों में मिलेगा। रेयर वाइपर और रेयर वॉशर भी आपको बेस में नहीं मिलेगा, वो भी बाकी सब मॉडल्स में मिल रहा है। तो ये मेन चीज़ें हैं भाई जो काम में आती हैं, बाकी सब चीज़ें तो कोई बात नहीं चल जाती हैं भाई। ये है जो कूल्ड ग्लोव बॉक्स है वो सिर्फ टॉप में दिया है कूल्ड ग्लोव बॉक्स, जबकि स्कॉर्पियन में तो ऑलमोस्ट सभी मॉडल में है शायद बेस को छोड़ के, लेकिन इसमें कूल्ड ग्लोव बॉक्स आपको सिर्फ टॉप में मिलेगा। शुरू के 3 वेरियंट में यानी AX3L तक आपको फैब्रिक यूफॉलिस्ट्री मिलेगा, उसके बाद बाकी के जो ऊपर के 3 वेरियंट हैं यानी कि MX5, AX5L और AX7L, इसके अंदर आपको मिलेगी लेदरेट सी, जो लेदर आप स्टेयरिंग है ये भी शुरू ऊपर के 3 वेरिएंट से मिलेगा लेदर के साथ ही, उसमें पूरा सब कुछ लेदर मिलेगा। भाई ये मुझे बहुत अच्छी बात लगी कि इन्होंने पुश बटन स्टार्ट सारी वेरिएंट्स में दिया है, ऐसा कोई वेरिएंट नहीं है जिसमें चाबी लग रही है, ऑल्दो मुझे यकीन नहीं हो रहा है इसे पढ़ के बट लिखा है तो होगा। टायर डिटेक्शन मॉनिटरिंग सिस्टम ये भी सब में, क्योंकि ऑफ रोडिंग व्हीकल है टायर डिटेक्शन देना पड़ेगा, बट इट्स गुड थिंग। क्रूज कंट्रोल बेस में नहीं है यार, तो बेस वालों के लिए बड़ी दिक्कत है, आपके पास बहुत सारी चीज़ें नहीं है, तो आप एक वेरिएंट अगर ऊपर चले जाओ तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, बहुत फ़र्क है बेस और जो 1.5 लाख का फ़र्क है ना, उसमें काफ़ी सारी चीज़ों का ऐड ऑन है। तो मैं तो कहूँगा अगर आप बेस लेने का प्लान कर रहे हो तो मत करो, 1.5 लाख और डाल लो, बहुत सारे फीचर्स हो जाएंगे जो आप मार्केट से भी नहीं डलवा सकते। आखिरी सेक्शन जो लुक्स का सेक्शन बचता है, एक्सटीरियर और इंटीरियर की हमारी गाड़ी की प्रेजेंस कैसी है, हमें क्या क्या चीज़ मिलती है, अलॉय व्हील ये सब चीज़ें। तो जी मैंने आपको पहले बता दिया था 19 इंच का अलॉय व्हील मिलेगा सिर्फ लग्जरी में, बाकी सब में मिलेगा आपको 18, और इसमें भी नीचे के 3 MX1, MX3, X3 में स्टील रिंग मिलेगा, बाकी में डायमंड कट अलॉय मिलेगा। अगर अलॉय चाहिए तो भाई ऊपर जाना पड़ेगा, लेकिन अलॉय तो भाई सब बाहर से डलवा लेते हैं ना, तो अलॉय की टेंशन नहीं है, हटा दो। सनरूफ आपको मिलेगी तो मिलेगी MX5 और AX5L में, और अगर स्काई सनरूफ चाहिए, स्काई रूफ बेसिकली, तो वो आपको मिलेगी सिर्फ टॉप में। क्या बात है भाई, इसके अंदर सारे मॉडल में LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प भी दे रहे हैं, यकीन नहीं हो रहा। LED डे टाइम रनिंग लाइट्स DRLs आपको सिर्फ ऊपर के टॉप में मिलेगी, MX, AX5L और AX7L। इन्होंने पता नहीं AX3L को पहले क्यों कर दिया,
चलो सस्ती पड़ रही होगी दे देती हूँ। तो जो चीज़ नहीं है उसकी बात करते हैं। स्पेयर व्हील कवर बेस को छोड़ के सब में मिलेगा, स्किड प्लेट सब में मिलेगी, स्प्लिट टेल गेट आपको सब में मिल जाएगा, बाकी सब तो ये जितने भी फीचर्स हैं सब सब में ही है, तो वो पढ़ने का कोई फायदा है नहीं। ये जितने भी आपकी गाड़ी के मोड्स हैं ये वो डिफाइन कर रखे हैं किस किस वेरियंट में होंगे, किस किस में नहीं होंगे, और किसी वेरियंट में है तो उस वेरियंट में स्पेसिफिक किस में होंगे। जैसे कि क्रॉल स्मार्ट ये आपको मिलेगा यहाँ, लेकिन सिर्फ डीजल 4x4 ऑटोमेटिक, बाकी मैनुअल लोगे 4x4 नहीं मिलेगा। तो बहुत सारे फीचर्स इन्होंने हर मॉडल के अंदर भी सेगमेंट में डिवाइड कर रखा है, यानी कि AX5L में 6 वेरिएंट है तो 2 में मिलेगा, 2 बाकी 4 में नहीं मिलेगा, तो इस तरीके से भी डिवीजन हो रखा है। तो इस चार्ट में आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा यही देखने को मिलेगा कि भाई कौन सी चीज़ किस में है किस में नहीं है। इस हिसाब से जो गाड़ी है उसमें बेस में तो मुझे किसी में कुछ नहीं दिख रहा, बेस लेने का कोई फायदा नहीं है, लेकिन आप बेस से ऊपर आप पैसा बचा के कोई फ्लोर वेरिएंट भी ले सकते हो, क्योंकि इतनी सारी जो चीज़ें हैं ना ये सब यूज़ में नहीं आती जो लग्जरी वेरिएंट में दे रखी होती है। मुझे नहीं लगता उसमें इतना पैसा डालने का कोई भी फायदा है। आपके पास कौन सी, अगर आपने थारॉक्स ले ली है कौन सी है, उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या रहे, डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आप सोच रहे हो आपको कौन सी लेनी है तो वो भी बताओ, वी विल गाइड यू। कमेंट्स में एक दूसरे की सब हेल्प भी कर सकते हैं। तो वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो चुकी है, आगे किसी क्वेश्चन हम अगली वीडियो में रखेंगे। सो इस वीडियो को यही खत्म करते हैं, आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे विद योर फैमिली, लव योर फैमिली एंड पीस।